मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरे नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य हमारा ग्रसित चल रहा है और थोड़ा सा मस्तिष्क की प्रॉब्लम हो गई थी। बहुत ज़्यादा दवा वा लेकर के चल रहा है, रिपोर्ट वगैरह भी करवाई गई हैं, क्योंकि बहुत माइंडली काम पड़ता है तो थोड़ा दिक्कतें होती हैं। दूसरी बात, अभी भी जो मुझे खबर प्राप्त हुई है कि जिन होमगार्डों ने ग्राम प्रहरी को बस उल्की की थी, मारा था, उन दोनों का सस्पेंशन हो गया है, वो सस्पेंड हो चुके हैं। मैं ग्राम प्रहरियों को एक बात कहना चाहूँगा कि अब आप बहुत अच्छे लेवल पे हाईलाइट हो चुके हैं और अब आपका बहुत आसानी से काम हो सकता है। अनु त्रिपाठी का सपना था आपको गुलामी से मुक्त कराना, आपकी आवाज़ बन करके आपको एक पहचान देना। प्यारे मित्रों, आपको हमने जो भी आपके लिए मैं कर पाया, अच्छा बुरा, आपके लिए अच्छा किया मैंने, मैंने आपका बुरा नहीं किया, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है कि हमारे ग्राम प्रहरियों को जीत मिल रही है। अभी हाल में कुशीनगर का भी मामला सामने आ रहा है जिसमें ग्राम प्रहरी को मारा गया है, थाने पर उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है ये बाद में मैं पता करूंगा, लेकिन ऐसी जो दुर्दशा है उसको बंद कराने का उद्देश्य था हमारा और हो रहा है। आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा परेशानियों से गुजर रहा हूं, मैं हो सकता है कि आपके लिए कार्य नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्षमा चाहूँगा। प्यारे मित्रों, मैं कुछ दिन और आपके साथ हूँ, उसके बाद मैं बेचिंता हो जाऊँगा, मैं अपनी दुनिया में रहूँगा। आप लोग हमेशा रहें, जो हमारे संपर्क में हैं, मैं अब सदैव उनके साथ खड़ा हूं। जो संगठन चल रहा है उस संगठन की भी कमान किसी न किसी अच्छे व्यक्ति को दी जाएगी। संभवतः जहां मदद की बात आएगी वहां मदद मैं हमेशा करूंगा आपकी, लेकिन आपके विभाग को जिस लेवल पर मैं देखना चाह रहा हूं वो धीरे धीरे आ रहा है। बस वेतन को लेकर के और कार्रवाई जो भी हो जाए उसके बाद मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत लोग हमारे जो बहुत कल मेरा जो उन्होंने सुना हाल चाल, जो 4-10 लोगों के कॉल आए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। हालांकि बहुत सारे लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया है, हमारे अपने लोग नहीं लिए इंटरेस्ट, आप तो दूर के हो, तो मैं समझता हूँ कि समस्याएं हर किसी के पास आती है, तो आज मेरे पास है। कुछ लोगों को मजाक लगता है, शायद रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि मेरे माइंड में क्या दिक्कत चल रही है, क्योंकि आप लोग जानते हैं विगत 6-7-8 महीनों से मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ। कहीं ना कहीं एक बीमारी ठीक होती दूसरी, और अगर सच में पूछो ना दिल से तो पता नहीं अंदर से ये लगता है ये दुनिया किसी काम की नहीं है। मित्र, इस दुनिया से बस प्रभु बस कैसे भी करके इस दुनिया से अलग कर दे मुझे, क्योंकि बहुत इस दुनिया में कष्ट है भाई, क्योंकि यहाँ पे सत्य और ईमानदारी नहीं चल सकती, यहाँ सिर्फ झूठ चलता है और मुझे झूठ नहीं बर्दाश्त है भाई। तो आप लोगों से दुआ करूँगा कि आप भी ऐसी दुआ करें। थोड़ा मनकुंठित है भाई, इसलिए वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बस अच्छा लगा मेरे भाई कि चौकीदार भाई हमारा जाग रहा है और धीरे धीरे उसकी उन्नति हो रही, बस यही मेरा सपना है। आपको जाओ जितनी जल्दी भगवान से यही कामना करता हूँ मेरे भाई। हाँ, आप बिल्कुल परेशान ना होना, आपकी हमेशा समस्या में अनु त्रिपाठी जान हाजिर कर देगा, हम लगे हैं आपके साथ, आप बिल्कुल परेशान ना होना, हम खड़े हैं आपके साथ, और कतई चिंता ना करना। जिन लोगों के कार्ड नहीं पहुँच पा रहे मेरे भाई, आपके कार्ड बन गए, आप परेशान मत होइए, मैं थोड़ा परेशान हूँ इसलिए नहीं भेज पा रहा हूँ, मेरी भी तकलीफ समझो। मैं जैसे ही ठीक ठाक होता हूँ मैं आपके कार्ड ज़रूर भेजूँगा, ठीक है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बाय बाय।